नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। फटाफट अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पप्पू यादव आज नामांकन करेंगे। कांग्रेस का झंडा हाथ में होने का उन्होंने दावा किया है। बगावत पर उतरे हैं पप्पू यादव। नामांकन के बाद टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। हाल ही में अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में पप्पू यादव ने विलय किया था। पप्पू यादव के नामांकन से पूर्णिया की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे पप्पू यादव नामांकन करने पहुंचेंगे? कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? जी सिप्रा, आज पप्पू यादव नामांकन करेंगे और पप्पू यादव अर्जुन भवन से 9 बजे निकलेंगे और अपना जो उनका घर है कोर्ट स्टेशन वहां जाएंगे। वहां पर अपनी माँ का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेने के बाद वो करीब 11:30 बजे समाहरणालय पहुंचेंगे और उस समय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद फिर वो टाउन हॉल जाएंगे। टाउन हॉल में प्रेस वार्ता करेंगे, वहीं पे कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे। पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा उनके हाथ में होगा। हालांकि उनके जो नजदीकी सूत्र हैं उनका कहना है कि जो पप्पू यादव आज निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं, लेकिन नामांकन के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। हालांकि कल तेजस्वी यादव की भी सभा थी। कल राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया से ही नामांकन किए हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव ने रंगभूमि मैदान में सभा को भी संबोधित किया। समय उन्होंने पप्पू यादव का नाम तो ही लिया, लेकिन उनका नाम लिए बगैर कुछ लोगों पर ये जरूर कटाक्ष किया कि कुछ लोग आएंगे, वोट काटेंगे, कुछ लोग आसपास से आएंगे, कुछ लोग हैदराबाद से आएंगे और वो वोट काटेंगे। प्रवीण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। जब नामांकन करने पहुंचेंगे पप्पू यादव तो तस्वीरें भी सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देख लेते हैं बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में।